हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में। आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था, कैसे विकसित हुआ, विकास होने की प्रक्रिया क्या थी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फोर होने वाला है। यूनिट फर्स्ट को टोटल हम चार पार्ट में कवर करेंगे, तो तीन पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जरूर देखें, जिससे आपका पीछे का भी पार्ट क्लियर हो सके। आज के हम अपने फोर पार्ट में बात करेंगे कि नातेदारी और इसका उदय किस प्रकार से हुआ, किनशिप है क्या और इसका राइज कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, विकास का क्रमिक चरण क्या था, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मानव ऐसा नहीं था कि जब मानव का उद्भव देखा गया कि बंदर से इंसान बन रहा था तो उसी समय उसने तय कर लिया कि ये मेरा चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई, ऐसा तय नहीं किया गया ना। धीरे धीरे समय के साथ वो परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, आसपास के वातावरण में परिवर्तन हुआ, और जो उसका इम्पैक्ट था ना सोसाइटी के ऊपर में पड़ रहा था, उसके कल्चर में पड़ रहा था, उसके रहन सहन जीवन व्यवस्था पे पड़ रहा था, उसका इम्पैक्ट बनता है कि वो नातेदारी व्यवस्था का यहाँ पे उदय हम देखने के लिए मिलता है। हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, तो जो आरंभिक मानव था वो स्टार्टिंग के टाइम में अपना जीवन व्यापन के लिए क्या कर रहा था, शिकार और संग्रहण के ऊपर में डिपेंड था। ठीक है, वो शिकार कर रहा था, शिकार के जरिए अपना जीवन व्यापन करता था। ठीक है, जानवरों को मारा खाया। तो पहले के टाइम में तो क्या होता था कि चलो छोटे जानवरों को मारना है तो अकेला बंदा भी जाता था, मार के ले आता था। पर जैसे जैसे उनका स्कोप बढ़ता गया ना, उनकी फैमिली बढ़ती गई ना, जनसंख्या बढ़ती गई ना, तो उस क्या हुआ कि वो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए जाने लगे। अब बड़े जानवरों के शिकार के लिए क्या होता था, वहां पर श्रम बल की आवश्यकता होती थी, ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी। जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतने आसानी से उन जानवरों का शिकार कर पाएंगे। तो जब वो ज्यादा लोग जाते थे ना, तो आपस में जान पहचान होती थी कि भैया ये वाला देखो, ये बंदा ये है, ये बंदे की काबिलियत ये है, तो इस तरीके से जान पहचान होती थी, और वहां से नातेदारी रिश्तेदारी व्यवस्था का शुरुआत हम देखने के लिए मिल जाता है। और ये एक सिर्फ छोटी सी शुरुआत थी। इसमें अब क्या होता है, काम का विभाजन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। काम का विभाजन किस तरह से, अब जो भी पुरुष होते थे घर के वो शिकार के लिए चले जाते थे, जहां पे वो शिकार किया करते थे वहीं पे घर की जो महिलाएं होती थी वो जंगलों में जाती थी, वहां से संग्रहण का कार्य करती थी, जो भी फल वूल है वो इकट्ठा करके लाते थे, शहद को इकट्ठा करके लाते थे, और अपने जीवन व्यापन का जो रोजमर्रा के जो जीवन व्यापन का जो तरीके थे उसको आगे फॉलोअप करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है। दूसरा, नातेदारी व्यवस्था कहाँ पे कायम होता है, तो एक तो ये हो गया कि भैया जो हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, जो भी हमारे चाचा भाई बंधु बन गए वो वर्क प्लेस पे हो गया, मतलब वो भी वर्क प्लेस ही हुआ ना, जहाँ पे शिकार करने जा रहे, चार लोग आए उधर से, चार लोग इधर से, मिलकर सबने शिकार किया, तो ये भी एक वहां पर रिश्तेदारी बनी, नातेदारी व्यवस्था का उदय हम देखते हैं। साथ साथ में यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे वो ग्रो करने लगे तो शादी जैसी व्यवस्था का भी वहां पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एक जो समूह होता था वो दूसरे समूह में शादी विवाह जैसी चीजें करता था। ठीक है, व्यापार जो व्यवस्था था, व्यापार में भी कहा जाता है ग्राहक क्या होता है, भगवान के समान था, ये हम आज के समय में हर जगह सुनते हैं। तो जो भी आप व्यापार भी करते थे ना, संबंध बनते थे। ठीक है, आप मान लो कि व्यापारी हो, दूसरे जगह जाके सामान बेचते हो, तो उनसे जान पहचान होगा ना, आप उनके बारे में जानोगे कि यार अच्छा ये बहुत अच्छा आदमी है, ये है, हमारे से सामान खरीदते हो, तो एक तरह से जान पहचान हुआ। तो जो व्यापारिक व्यवस्था का भी उदय हुआ ना, तो वहां पर भी ये चीजें देखने के लिए मिली कि वहां से भी ये नातेदारी का उदय हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब व्यापारिक व्यवस्था का उदय का क्या अर्थ है, कि जैसे जब आरंभिक मानव शिकार और संग्रहण की जीवन व्यतीत कर रहा था, शिकार करता था, संग्रहण करता था, फिर धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ, उन्होंने खानाबदोश का जीवन व्यतीत करने लगे। खानाबदोश में क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे तरह से ट्रेवल करते थे, घूमतू का जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह स्थिर रहकर खाना पीना ये नहीं खाया करते थे, नॉर्मली एक जगह कुछ टाइम तक रहे, जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाया, फिर उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते थे, ये प्रक्रिया रहती थी। अब वो खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे तो वो आसपास की जगह जो भी समाज होता था उनसे भी उनकी जान पहचान होती थी, उनसे भी उनका व्यवहार बनता था, वो भी यहाँ पे नातेदारी व्यवस्था हमें देखने के लिए मिल जाता है, पर उतने बड़े लेवल पे नहीं। अब खानाबदोश के साथ साथ में क्या होता है कि उनका एक ग्रेड और बढ़ जाता है, वहां पे वो पशुपालक खानाबदोश बनते हैं। पशुपालक खानाबदोश में क्या हुआ कि उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाया, साथ में अपने जानवरों को भी लेकर घूमते थे। किन जानवरों को लेकर घूमते थे, तो ये मैंने थर्ड पार्ट के अंदर में आपको डिटेल में बताया था कि स्टार्टिंग में तो वो सुअर और कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बनाया। कुत्ते का मेन पर्पज क्या होता था कि रखवाली करना, भोजन का ढूंढना, भोजन को ढूंढने में हेल्प करना, तो इन सब सारे पर्पज रहते थे। और सुअर और कुत्ते का रखने का, पालतू बनाने का मेन पर्पज ये भी रहा कि उनके ऊपर इंसानों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता था, उनके लिए रख रखाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता था, वो कम में रह सकते थे। ठीक है, उनके लिए अलग से खाने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो गुजारा कर लेते थे, इसके कारण से उनको पालतू बनाया गया। साथ साथ में भेड़ बकरी मवेशियों को पालतू बनाया गया, मवेशी का पालतू बनाने का पर्पज ये था, भेड़ बकरी का पालतू बनाने का पर्पज ये था,
दूध की जो आवश्यकता होती थी वो पूरा किया जा सके, कभी अगर भूख लग रहा है तो उनको मारकर खाया जा सके, तो इनके कारण से इन चीजों का किया गया। अब ऐसा नहीं होता था, अब जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो कई बार क्या होता था कि वो जिस जगह से गुजरते थे वहां पे आसपास में कृषक समुदाय भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर एशिया द्वीप में देखोगे तो उस टाइम पर एक टाइम पीरियड के अंदर में ऐसा नहीं था कि सारे खानाबदोश तो सारे खानाबदोश, सारे पशुपालक तो सारे पशुपालक, ऐसा नहीं था। कुछ लोग होते थे आगे बढ़ते थे तो पशुपालक की जिंदगी व्यतीत कर रहे, कुछ समुदाय क्या होता था कृषक के तौर पे स्थापित हो गए, कुछ समुदाय सिर्फ खानाबदोश के तौर पे स्थापित है, तो अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे बटे हुए में देखने के लिए मिलते थे। और जब जो खानाबदोश पशुपालक होते थे एक जगह से दूसरी जगह गुजरते थे या बाकी लोग गुजरते थे, तब वहां पे जो जान पहचान होती थी ना, विनिमय होता था, सामानों का विनिमय, एक सामान देकर दूसरा सामान लेना, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे गठबंधन बनता था, नातेदारी का उदय होता था। और मेनली क्या होता था कि जो मनुष्य का होता था ना, एक दूसरे मनुष्य से अट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है कि भैया शादी ब्याह किया, हो गया, नातेदारी आगे बढ़ गया। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा जब लड़की का पापा जो या लड़के का बाप जो है वो देखता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, लड़की का जो फादर है वो बहुत ऊंचे कद्दावर व्यक्ति है जिसके अगर वो साथ दे दे तो इलेक्शन जीत सकता है, तो क्या करता है अपने लड़के की शादी कर देता है, भले लड़का लड़की पसंद करे ना करे वो शादी कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। आपने ऐसी हजारों लाखों फिल्में देखी होगी, उसकी स्टोरी सुनी होगी, सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ पे नातेदारी व्यवस्था का उदय होता है ना, इसका मेन पर्पज क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे कबीले होते थे ना जो वहां पे रहा करते थे अपने पावर को बढ़ाने के लिए, कि भैया मैं सिर्फ मान लो मेरे कबीला का नाम ए है और सामने वाले कबीला का नाम ए बी है, तो अगर ये वाला मिल गया ना तो हम क्या बन जाएंगे, ए ए बी बन जाएंगे, ठीक है, हमारी पावर बढ़ जाएगी। तो इसको करके बिना हमारा डोमिनेंट होगा सारे कबीलों के ऊपर में, इसको भी करके वहां पे ये सब चीजों का किया जाता था। अब मान लो आप ए कबीले के सरदार हो, आपने क्या किया बी कबीले के सरदार की लड़की से शादी कर लिया, तो अब दोनों कबीले आपके हो गए, ठीक है, अब दोनों कबीलों को आप रेगुलेट कर सकते हो, वहां पे आपका ऑर्डर को फॉलोअप किया जाएगा। तो इस तरीके से भी चीजें की जाती थी, ठीक है। ये पूरा जो इस यूनिट के अंदर में हम पढ़ने वाले ना उसका मैंने समअप आपको बताया, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। वंश और विवाह के आधार पर जो संबंध बनता था उसे हम नातेदारी संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं। जो भी वंश के आधार पर कि मेरा भाई जाति वाति का है उसके आधार पर जो बनता था उसको हम संबंध के आधार पर स्थापित करते हैं। नातेदारी का जो इतिहास है काफी पुराना माना जाता है, आदि मानवों में भी भाई बहन के रूप में नातेदारी संबंध था। आर फॉक्स एक इतिहासकार है, उनका मानना था कि गठबंधन और वंश परंपरा जो मनुष्य की अनोखी खोज के तौर पर देखा गया कि जो ये गठबंधन है परंपरा वंश है ये मनुष्य द्वारा एक अच्छी खोज के तौर पर भी स्थापित होता है। इस खोज के कारण से मनुष्य दूसरे समुदाय के साथ संपर्क और मित्रता स्थापित करता था, ठीक है। आज मान लो मेरी शादी हुई, मान लो क्या मेरी शादी हो चुकी है, वहां पे जो मेरी इन-लॉज फैमिली है पहले शादी से पहले तक उनको हम नहीं जानते थे, उनके घर में जो लोग हैं उनके जो परिवार है उनको नहीं जानते थे, ठीक है, बट अब हम एक दूसरे को जान रहे हैं, उनके जो रिलेटिव है उनको हम जान रहे हैं, वो हमें जान रहे हैं, तो हमारा जो परिवार वो बढ़ गया ना, ऑटोमेटिक बढ़ गया ना। अगर उनके घर में कोई फंक्शन है तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर शादी नहीं हुई होती तो हम सिर्फ उनके फंक्शन जो होते हैं उनके लोगों तक ही लिमिटेड रहता, हमारे फंक्शन रहते हमारे लोगों तक ही लिमिटेड रहता, ठीक है। पर अभी क्या है, दोनों फैमिली इन्वॉल्व है एक चीजों के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खुशी दुख में शामिल है कि हाँ ये चीज हुआ तो हमारा भी बनता है तो हम भी करेंगे और इस तरह से चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य क्या करता था, एक दूसरे समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करता था, मित्रता स्थापित करता था, उसके लिए यहाँ पे नातेदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेटा या बेटी के विवाह के बाद में समुदाय स्वाभाविक रूप से नातेदारी या संबंध स्थापित हो जाता था, नॉर्मल है आज के समय में, ठीक है। नातेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि इसमें स्थापित सामाजिक संबंध भी होता था। ऐसा नहीं होता था कि खून का रिश्ता होगा तभी आप नातेदारी के अंदर में आओगे, ये नहीं था। जो सामाजिक संबंध होता है एक सामाजिक दायित्व होता है, ठीक है, कि आपका क्या मेन व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका थॉट क्या है, सामाजिक दायित्व क्या, आपका ड्यूटी क्या है, मॉरलिटी क्या है आपकी, वो भी इसके अंदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां खून का रिश्ता बहुत सीमित होता है और वहीं नातेदारी संबंध काफी व्यापक माना जाता है। आर फॉक्स का मानना था कि नातेदारी की उत्पत्ति संबंध मांसाहारी भोजन की ओर धीरे धीरे झुकाव होने से था। अब यहाँ पे आर फॉक्स ने जब स्टडी किया, जब आरंभिक मानवों को स्टडी किया, तो ये माना गया ना कि कहीं ना कहीं ये जो नातेदारी की उत्पत्ति देखी जाती है मांसाहारी भोजन के और झुकाव से माना गया। किस तरीके से मांसाहारी भोजन के झुकाव से, अब बोलोगे क्या शाकाहारी वालों को क्या नातेदारी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। अब जो शाकाहारी वाले ना आज के समय में अगर आप लेके चलोगे एग्जांपल देखोगे, अगर आप मीट मछली दारू खाने वाले हो तो आप जिस जगह बैठोगे ना तो चार लोग आपके साथ में हैं, आपका एकदम एप्रिसिएशन होगा, वो भाई ये भी पीता है ये भी करते हैं, और आपकी दोस्ती यारी तुरंत हो जानी है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो पीने खाने वाले लोग हैं ना वो कहीं भी चले जाएं, जहन्नुम में भी चले जाएंगे ना तो भी उनको दो चार जान पहचान वाले मिल जाएंगे जो दारू पीने वाले हैं खाने वाले हैं इस तरीके का।
अगर आप शाकाहारी हो, प्योर एकदम वेजिटेरियन हो, आपको नहीं खाना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप मतलब अकेले फंस गए हो कहीं पे, ठीक है, अकेले रह गए हो, उस तरह से आपको फील होने वाला है। तो ये चीजें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे आर फॉक्स ने क्यों कहा कि नातेदारी की उत्पत्ति मांसाहारी भोजन की ओर झुकाव के कारण से हुआ। जब हम आरंभिक मानवों को स्टडी करते हैं, मानव की उत्पत्ति को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन व्यापन था, तो जीवन व्यापन के लिए उनका जो भोजन का जो आहार था ना, मुख्य आहार के तौर पे शिकार को माना गया कि वो शिकार करते थे। अब शिकार के लिए क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होते थे, उसको जानवरों को शिकार करते थे, दौड़ भाग कर उसको पकड़ते थे, मारते थे। अब इसके लिए क्या होता था, स्टार्टिंग में तो छोटे जानवरों का शिकार अकेले व्यक्ति कर सकता था, पर धीरे धीरे वहां पे पावर की जरूरत पड़ने लगी, जो लोग हुआ करते थे उसकी जरूरत पड़ने लगी, ठीक है, जो जो भी औरतें हुआ करती थी वो घर का कार्य संभालने लगी। तो जैसे मान लो दो ग्रुप है, दो कबीला है, एक ग्रुप में 5 लोग हैं, एक ग्रुप में 7 लोग हैं, ठीक है, ऐसा मान लिए। अब यहाँ पे 3 आदमी हैं, यहाँ पे भी 3 आदमी हैं, ठीक है। अब क्या किया गया, 3-3 6 लोग हो गए, 6 लोग जाकर एक जानवर का शिकार करके लाएंगे, दोनों मिल बांट के खा लेंगे, ये चीजें चलने लगी। इस तरीके से जब वो अपनी पावर की बढ़ाने की बात आई ना, तो वहां पे वो नातेदारी व्यवस्था के तौर पे मांसाहारी भोजन के लिए वहां पे चीजें की जाने लगी। अब बोलोगे मांसाहारी भोजन की, अरे यार उस समय पे खेतीबाड़ी नहीं हो रही थी ना, इसके कारण से मांसाहारी भोजन का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, ठीक है, जिससे ये जो चीजें हैं नातेदारी व्यवस्था है वो सेट हो सके। ये आपका जो न्यू सिलेबस है ना, उसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर डाला गया था, किनसे व्यवस्था क्या है, इसका राइज कैसे हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस एमए हिस्ट्री के जो न्यू सिलेबस उसके अंदर में डाला गया था। पुराने सिलेबस वाले के अंदर में कोई इतना खास क्वेश्चन था नहीं है, पुराने सिलेबस वाले में भी था पर उतना खास क्वेश्चन था नहीं। इसके अंदर में एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर में बोला था कि और भी छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे इनका जो टूल था, हथियार था, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, फायर का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है कि रोल क्या है, जो भी उनके औजार थे, टूल थे, ठीक है, और उसके बाद जो फायर है उसकी जो डिस्कवरी थी, किस तरह से उनका रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के जीवन व्यापन में, किस तरह के चेंजेस लेकर आता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में तो उन क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूंगा ही करूंगा, तो अभी इसको हम पहले सबसे पहले समझते हैं। आरंभिक मानवों का जो इनसे विशेष महत्व के तौर पर देखा जाता है, बड़े जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार करने के लिए स्त्री पुरुष कार्य करते थे, और पूरी तरह से जो कार्य था उसका विभाजन हो चुका था। यहाँ पे स्त्री जो और पुरुष जो थे ना, अलग अलग कार्य में लगा दिया गया था। जो पुरुष हुआ करते थे वो बड़े जानवरों का शिकार के लिए जाते थे, स्त्री जो थे वो दूसरे कार्य किया करती थी। इसका कारण ये भी होता था कि बड़े जानवरों का शिकार में ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी, इसके कारण से यहाँ पे दूसरे लोगों को शामिल किया जाता था। इसी कारण से महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था क्योंकि ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ साथ में देखोगे महिलाएं घर का काम और छोटे बच्चे की देखभाल करती थी। महिलाएं जो थी भोजन इकट्ठा करने का काम किया करती थी। पूर्व में भोजन संग्रहण का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता था, ऐसा नहीं होता था एक व्यक्ति क्या जाके भोजन इकट्ठा करके लाया, ऐसा नहीं होता था, सामूहिक रूप से भोजन को इकट्ठा किया जाता था। जब पुरुष शिकार पे जाने लगा तब तथा महिलाएं घरों का कार्य करने लगती है, तो भोजन इकट्ठा करने लगी, मतलब जब पुरुष का ये कार्य बटा, कार्य का विभाजन हुआ कि पुरुष शिकार करेगा, तो महिलाओं के लिए डायरेक्ट घर का कार्य आ गया था, भोजन इकट्ठा करना आ गया था, बच्चों की देखभाल करना आ गया था, इस तरह के कार्य महिलाओं के हिस्से में आ जाता है उनके। और इस पूरे इस चीजों को पारिवारिक मतलब पारस्परिक रिश्ते के तौर पे देखा जाता है, और इनके इम्पैक्ट भी रिश्ते के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। पहले क्या होता था, समान भागीदारी रहती थी, जहाँ पे जो मेल और फीमेल जो दोनों होते थे वो दोनों जाकर शिकार करते थे, उसका भोजन इकट्ठा करते थे, इस तरह से कार्य करते थे। पर यहाँ पे ना जो कार्य में विभाजन के कारण से रिश्तों में परिवर्तन भी दिखा गया, एक पर्सपेक्टिव जो होता था वुमेन का वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसके लेकर औरतों को लेकर यहाँ पे जो एक थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए हमें दिखता है। साथ साथ में इसके पहले जो पहले पुरुष हुआ करते थे साथ रहते थे, और सभी महिलाएं बच्चों के साथ रह करती थी, जो पुरुष होते थे पुरुषों के साथ में, महिलाएं अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी, जिससे उनका जीवन व्यापन हो सके। अब पुरुष जा रहा है अपने मतलब काम पर मतलब शिकार करने के लिए, तो जो महिलाएं होती थी वो सारे बच्चों के साथ में और पुरुष पुरुषों के साथ में रहकर वहां पे कार्य किया करते थे। यौन आधारित श्रम, जैसे मेल फीमेल के आधार पर जो श्रम को विभाजित किया गया, पुरुष और स्त्री के भोजन अर्थात सब्जी के और मांस के बंटवारे के लिए एक दूसरे पर बिल्कुल नए तरीके से आश्रित हो गए। अब ऐसा नहीं होता था कि महिलाओं का वहां पर रोल नहीं था, इंपॉर्टेंस नहीं था। अगर पुरुष सब श्रम करके नहीं ला रहा है, वहां पे मांस शिकार करके नहीं ला रहा है, तो आप खाओगे क्या? अगर महिलाएं कंदमूल के फल इकट्ठा करके नहीं ला रही है, उनकी जो साग सब्जी है उसको इकट्ठा करके नहीं ला रही, तो खाओगे क्या? ठीक है, तो दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता था चीजों को प्ले करने के लिए, ठीक है, किसी का कम किसी का ज्यादा, पर दोनों का वहां पे नए रोल के तौर पे यहाँ पे आश्रित हुए। जबकि आप स्टार्टिंग के दौर में देखोगे तो लोग अकेले ही शिकार किया करते थे, कम लोगों में शिकार किया करते थे, पर धीरे 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 विकास करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए चीजें यहाँ पे हम देखने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे फॉक्स का कहना होता है कि यही व्यापार संभवतः अर्थ में मानव समाज की उत्पत्ति का आधार बन जाता है। जो इस तरीके की जो चीजें थी ना, यही मानव संबंधित समाज के अंदर में
संबंध का आधार बनता है, समाज की उत्पत्ति का आधार बनता है कि किस तरह से समाज की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसी का परिणाम था कि परिवार जैसे इकाई का निर्माण हुआ, परिवार बनता चला गया, पुरुष महिलाएं तथा उनके बच्चे के साथ में रहने से परिवार का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रथम नातेदारी का जन्म यहीं से हुआ ये माना जाता है। जो प्रथम नातेदारी होती है ना, हमेशा घर से पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पैदा होते ही डायरेक्ट आपने गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, ऐसा नहीं होता। जो सबसे पहला रिश्तेदारी और नातेदारी जो होता है ना, अपने घर से होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई बहन, घर से जन्मता है और वहाँ पे फैमिली का इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो यहाँ पे माना गया कि प्रथम जो नातेदारी का जन्म है ना, यहीं से माना जाता है, फैमिली से माना जाता है कि जो एक कल्चर का नया दौर शुरू हुआ कि किस तरह से महिलाएं घर को संभालेंगी, पति ये करेंगे, वो आएंगे फिर वो चीजों को करेंगे, तो इस तरह का जो शुरुआत था ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा था, वो यहीं से इसकी शुरुआत देखी गई। मानव समाज के अंदर में रक्त संबंधियों के बीच वैवाहिक विवाह संबंध बनाने पर रोक था, जिसके कारण से यह परिणाम हुआ कि बड़े स्तर पर जो मानव थे वो बाहर के वही विवाह के तौर पर अपना प्रथा स्टार्ट करते हैं और वहां पर वो कायम करते हैं। वही विवाह क्या होता है, जहां पर अपने रक्त से बाहर विवाह करना। ठीक है, जैसे मान लो अपने कुल से, अपने रक्त से बाहर विवाह करना, कुल से रक्त से बाहर विवाह नहीं करना कि मतलब ये नहीं है कि वो किसी अदर कास्ट में विवाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे कहना है, मतलब ये है कि वो अपने रिलेशन में विवाह नहीं कर सकते। जैसे मोमिन्स में होता है, आपने देखा होगा कि वो अपने मामा की लड़की से विवाह कर सकता है, बाकी ये अगर आप हिंदू की बात करते हो, मामा की लड़की भी बहन हुई मेरे लिए, तो हम नहीं कर सकते उसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नए घर को ढूंढेंगे, एक नए घर को टारगेट करेंगे, उनके घर की लड़की को लेकर आएंगे, फिर टॉर्चर करो, ऐसा चलता है। मतलब ये नहीं कहना होता है, मतलब कि ऐसा चीजें होती है, बट ये है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं, मतलब क्या कि रक्त संबंधियों में विवाह नहीं हो सकता था, इसको नकारा गया। मानव ने बहिर्विवाह को यहाँ पे अपनाया, बाहर की लड़कियों को लेकर आना दूसरी फैमिली को। इसका एक पर्पस ये भी होता था कि अगर मान लो मैं अपने मामा की लड़की से ही शादी करता हूँ, जो मोमडन में चलता है, सेम उसी तरीके से करता हूँ या किसी और से करता हूँ, जो भी हमारे रिलेटिव उनमें करता हूँ, तो हम अपने नातेदारी को नहीं बढ़ा पाए, ग्रो नहीं कर पाए। और जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के जो लोग थे, जो मानव था, उसका ये मानना था कि अपनी पावर को हमें बढ़ाना है। पावर को बढ़ाने के लिए आपको नए लोगों को शामिल करना पड़ेगा ना, कि पुराने लोगों को ही घर में ला ला के रखते जाओगे तो पुराने लोगों में से तो आप ग्रो नहीं कर पाए ना। अगर आप नए लोग को लेकर आते हो बाहर से, किसी दूसरे लड़की को लेकर आते हो अपने घर में, बहू बनाया आपने, तो आपके घर की एक फैमिली मेंबर बढ़ गई, पर आप मामा की लड़की को ही लेकर आए तो आपकी घर की फैमिली मेंबर बड़ी कहाँ, मामा की लड़की पहले से भी रह रही थी घर में, अभी भी रह रही है, तो बड़ी कहाँ। ठीक है, तो इस तरह से चीजें भी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, इस प्रथा के कारण से ही मानव का जो बाध्य होकर एक दूसरे समुदाय में विवाह करना पड़ा, जो ये प्रथा थी ना कि भाई रक्त में विवाह नहीं हो सकता, उसके कारण से मनुष्य ने दूसरे समुदाय के अंदर में विवाह करना स्टार्ट किया। दूसरे समुदाय में विवाह करने की प्रथा के कारण से क्या हुआ, प्रारंभ में दूसरे समुदाय में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना अनिवार्य होता था। अब देखो यहाँ पे ये भी होता था कि अगर मान लो आप अपने ही उसमें कुल में शादी कर रहे हो, अपने ही रक्त में शादी कर रहे हो, तो आप जिस मर्जी तरीके से रखो, ठीक है, मामा भी फालतू कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सब एक दूसरे को पहले से जान रहे कि इसका नेचर ये है, ये चीज़ ऐसा ऐसा ऐसा। पर जब दूसरे समुदाय में विवाह होने लगा तो उसका एक रीजन ये भी था कि भैया रिस्पेक्ट से रहो, अच्छे तरीके से रहो, अगर अच्छे तरीके से नहीं रहोगे तो लड़की वाले आएंगे, ठीक है, वो शायद आपके ऊपर कुछ बोले कि मेरी लड़की को सही तरीके से नहीं रख रखा, ये चीजें वो चीजें। तो संबंध को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या होता था, सौहार्दपूर्ण तरीके से रखा जाता था उसको, उस तरीके से फॉलोअप किया जाता था, रिलेशन को लंबे समय तक चलाया जा सके उसके बारे में, उसके लिए कोशिश की जाती थी। संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहने की स्थिति में क्या होता था, विवाह टिक नहीं सकता था, विवाह संभव नहीं था, टूट जाता, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती थी, जिसके कारण से उसको सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश की जाती थी। इसी प्रकार से नातेदारी का प्रारंभ होता और यहाँ पे विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना, इस प्रकार नातेदारी का जो संबंध होता था वो गहरा तो चला जाता है। अगर हम एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं होते, जो पति पत्नी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते कि ये चीज ये इस तरह से, ये चीज इस तरह से, अगर वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए ना, तो वहां पे नातेदारी का भी अंत आप मान सकते हो, उस रिलेशनशिप का भी अंत होता हुआ चला जाता है। पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित संबंध के कारण से ही इनके आपसी संबंध समय में काफी सुदृढ़ होता चला जाता है, जो आपसी रिलेशन होता है वो भी यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। नातेदारी का जो मूल उत्पत्ति का मूल कारण माना गया, एक दूसरे पर अवलंबन करना, विश्वास करना, ठीक है, ट्रस्ट करना, भरोसा करना, ये माना गया। जब मानव एक दूसरे पर आश्रित होता है तो इसके कारण से उसके संबंध भी सौहार्दपूर्ण देखने के मिलते हैं। ठीक है, इन परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया कि कभी कभी केवल सामाजिक संबंध और नातेदारी संबंध बन जाते थे। बिल्कुल मूल कारण इसका पारस्परिक निर्भरता है, आपस में जो डिपेंडेंसी होता है ना, वो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम किस तरह से नातेदारी संबंध स्थापित करते हैं, किस तरह से हम अवलंबन करते हैं, किस तरह से हम भरोसा स्थापित करते हैं, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। इस तरह के संबंधों के बाद में वैवाहिक संबंध और मजबूत यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नातेदारी संबंध का विकास समाज में बढ़ती प्रतियोगिता और शत्रुता का योगदान था। जिस तरह से ना भाई समाज के अंदर में शत्रुता बढ़ रही थी, भैया मेरा दुश्मन है,
उधर से शादी करेंगे तो पावर बढ़ेगा, ये हमारा दोस्त है तो उससे शादी करेंगे तो ये रहेगा। तो इन सब चीजों के कारण से भी यहाँ पे ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो पूरा इस नातेदारी किनशिप वाला जो टॉपिक है उसके अंदर में यहीं पे ये चीजें हमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो कुछ अगर आप बात करोगे तो एक टॉपिक रहता है टूल का, औजारों को लेकर, कि भैया औजार किस प्रकार से थे, ठीक है, आपका खोज किस प्रकार से हुआ, ये एक टॉपिक रहता है। अब इसका परिवर्तन किस प्रकार से, जो आरंभिक मानव था उसके जीवन व्यापन पे पड़ा, तो इसके परिवर्तन इस प्रकार से पड़ता है। देखो, आरंभिक मानव ने जब स्टार्ट किया जीवन व्यापन करना तो वो जानवरों का शिकार करते थे। तो पहले क्या होता था, पाषाण युग के अंदर में बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाते थे, उससे शिकार करते थे, उससे शिकार करना संभव नहीं था। तो धीरे धीरे उनके औजार में परिवर्तन होता है, ठीक है। किस तरह से औजार में परिवर्तन जो होते थे, हल्के औजार बनाना स्टार्ट किए, फलकदार धारीदार औजार बनाना शुरू स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको शिकार करना ईजी होता चला गया, ठीक है। और ये इंपैक्ट रहता है मनुष्य के जीवन व्यापार में, क्या कि पहले वो छोटे जानवरों का शिकार करते थे, बड़े जानवरों को आसानी से शिकार कर सकते थे, ठीक है, शिकार करने में इजी हुआ और उनके रोजमर्रा के जो जीवन व्यापन के तरीके थे उसमें भी परिवर्तन आया। पहले शिकार करने में ज्यादा टाइम लगता था, अब कम टाइम लगता था। आग की खोज से क्या देखा गया कि उनका जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आग के उपयोग से वो अच्छे तरीके से खा सकते थे, मांसाहारी चीजों का ज्यादा उन्होंने उपयोग करना सेवन किया, ठीक है, पकाकर खाना स्टार्ट किया। तो इस तरह का इंपैक्ट हमें मनुष्य के जीवन पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूबल लगती है, अगर कहीं ना कहीं आपके लिए हम रोल अच्छा प्ले करते हैं, आपको सीखने के लिए कुछ चीजें मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आपको अगर इसका नोट चाहिए, जो भी MHI 101 का किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर का नोट चाहिए आपको, तो आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पर जा सकते हो। गूगल ब्लॉगर पर नोट्स आपको मिल जाएगा, हमारे वहां से ले सकते हो। गूगल ब्लॉगर पर कैसे जाओगे आप, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, ठीक है। आप जाकर डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर को यहाँ पे गूगल ब्लॉगर पे जाकर आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। गूगल ब्लॉगर पे आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा गूगल ब्लॉगर से आप नोट्स यहाँ पे ले सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनको भी ज्वाइन करें, जिससे जो भी डाउट है आपके, जो भी कंफ्यूजन है, आप वहाँ से अपने दूर कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर ऑल द बेस्ट।